में बनाने लगे हम मटन निहारी। इसके लिए पहले हाफ कप जितना ऑयल लेंगे, पानी भी चला गया। ये तकरीबन आधा किलो मटन है। इस तरह से पानी ड्राई हो जाएगा तो हम गोश्त का पानी, ड्राई होने के बाद हम इसमें एक खाने का चम्मच लहसुन, एक खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, दोनों चीज़ों के चीज़ भी ऐड करेंगे। अच्छा, ऑयल मेरा शुरू में ज़रा तेज़ हो गया था, इसकी वजह से गोश्त इसमें ऐड करके ही चिपकने लगा। तो मैंने चूल्हे से हटाया, पतीला फिर वापस रखा। इस बात का ख्याल आप खुद ही रखें। मैंने इसमें एक एक चम्मच खाने का लहसुन अदरक ऐड कर लिया। मज़ीद इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। मैंने इसमें शान निहारी मसाला सिर्फ दो खाने के चम्मच ऐड किया है। घर में हैं बच्चे और उन्होंने भी खाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता अगर चम्मच पूरा साशे डाल देते। अब मैं मसाले को अच्छे से भुनने हैं, हल्का ना भुनाई। मसाला भुन गया, हल्का सा पानी का छीटा देके इसको मज़ीद भुनाई की है। क्या आने लगा है? अरोमा, खुशबू। अब इसमें एक लीटर जितना पानी ऐड करेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर का ढक्कन मैंने कर दिया और ये लग गई है सीटी। आज तेज कर दिया और अब सीटी बजने का वेट करेंगे। सीटी बज जाएगी उसके बाद टाइम देखकर 20 मिनट पकाएंगे, देन इसको बंद कर देंगे। लेमन की भी कटिंग हो गई, अभी एक साइड में रख लेंगे लेमन और अदरक। ठीक है, बस अब हो गया। सीटी को थोड़ा सा अपनी जगह से उठा दिया ताकि गैस बाहर आ जाए, और जब तक के हम इसमें ऐड करने के लिए मैदा रेडी करते हैं। 20 मिनट कुकर में हमने इसे पका लिया, निहारी को सीटी में डाल के ढक्कन में निकाल दिया। अब हम दो खाने के चम्मच मैदा घोल कर इसमें हल्के हल्के हाथ से ऐड करते जा रहे हैं और चलाते जा रहे हैं। वक्फे वक्फे से ऐड करते जाएंगे अच्छे से ताकि उठ जाएगा। मैंने इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम थी तो इसलिए मज़ीद दो खाने के चम्मच मैदा घोल लिया है मज़ीद। और अब ऐड करते जा रहे हैं, देखते रहेंगे जब थिकनेस अच्छी हो जाएगी तो हम मैदा ऐड करना रोक देंगे। चलाते रहना है, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। सॉरी, अब इसमें गुठलियाँ से नहीं होना चाहिए, नहीं रोक लेगा। अब इसकी थिकनेस इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर लेस रेडी है। मैं आप अपना अदरक लेमन एक चौथाई चाय की चम्मच हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाला।